वेलकम गाइस, आज हम अवतार मूवी के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसकी शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। फिलहाल जैक एक स्पेस पोर्ट में मौजूद था और पिछले 6 साल से ये इसी में ट्रेवल कर रहा था। ये उस समय की बात है जब इंसानों ने धरती पर सभी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया और अब नए रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए ये किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं जिसका नाम है पैंडोरा। और जैक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा कैसे बना, इसके लिए हमें एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ जैक का एक ट्विन ब्रदर होता है जो कि बिल्कुल जैक की तरह ही दिखता था, जो कि स्पेस में जाना चाहता था और वो एक साइंटिस्ट भी था, मगर कुछ चोरों ने चंद पैसों के लिए उसे मार डाला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नासा ने उसके भाई पर काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे और इसीलिए वो चाहते हैं कि उसके जगह पे उसका भाई जैक स्पेस में जाए, क्योंकि जैक का डीएनए उसके ट्विन ब्रदर के डीएनए से काफी मेल खाता है। इसीलिए अब जैक वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ जाने की एक और वजह ये थी कि यहाँ से मिलने वाले पैसों से जैक अपने पैरों का इलाज करवा सकता था जो कि पैरालाइज हो चुके थे। अब बेशक से जैक हैंडीकैप था, लेकिन फिर भी वो काफी मेहनती इंसान होता है। जैक को उस प्लेनेट पर भेजने से पहले उसके बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं और जो भी लोग पैंडोरा पर जाने वाले थे वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर अभी कर्नल आता है जो इन सबको बताता है कि पैंडोरा पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आप सभी को वहाँ एक मास्क कर रहना होगा और साथ ही वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स भी रहते हैं जिनका सामना करना आप सभी को सीखना होगा। इसके बाद जैक एक आदमी से मिलता है जो कि ट्रेनिंग में उसके साथ ही था और अब ये काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। वो आदमी जैक को एक अवतार दिखाता है जो कि जैक के डीएनए को उस प्लेनेट पर रह रहे क्रिएचर्स के डीएनए के साथ मिलाकर बनाया गया था। अब वहाँ जैक को एक साइंटिस्ट देखती है और उस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है। वो उसे जाकर बोलती है, तुम्हें क्या जरूरत थी एक ऐसे इंसान को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की जो कि ठीक से चल भी नहीं सकता। वो हेड उसे कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस बारे में ज्यादा सोचने की, हम उस प्लेनेट पर सिर्फ उस मेटल को ढूंढने जा रहे हैं और जैक का डीएनए उसके भाई के डीएनए से काफी मिलता था और हम उसके भाई पर इन्वेस्ट किए गए पैसों को जाया नहीं जाने दे सकते थे। वो कहता है कि तुम्हें बस उस प्लेनेट से एक अनऑप्टेनियम नाम का मिनरल लाना है और इससे ज्यादा जरूरी फिलहाल तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जैक एक मशीन के अंदर जाता है जिसमें जाने के बाद वो सो जाता है और तभी उसका अवतार जागता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जब जैक सोता है तो उसका अवतार जाग जाता है और जब उसका अवतार सोता है तो जैक की रियल बॉडी जाग जाती है, क्योंकि उस अवतार को जैक का माइंड ही कंट्रोल कर रहा था और एक माइंड एक समय पर एक ही बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। जैक अपनी अवतार वाली बॉडी को पाकर काफी खुश होता है क्योंकि उसके पैर नहीं थे और इस बॉडी में उसके पैर थे, इसलिए वो जोर से भागता है। कोई इंसान जिसके पैर नहीं थे और आज वो भाग रहा है, इससे अच्छी बात उसके लिए क्या ही हो सकती है। अब अगले दिन हम कर्नल को देखते हैं जो कि जैक से कहता है कि तुम्हें उस प्लेनेट पर जाकर वहाँ रह रहे लोगों की एक्टिविटीज को नोट करना है और उन्हें विश्वास दिलाना है कि तुम उन्हीं में से एक हो और इसके बाद तुम्हें वहाँ से अनऑप्टेनियम को लेकर आना है। अगर तुम ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा जिससे तुम अपने पैरों का इलाज आराम से करवा सकते हो। कर्नल कहता है कि जहाँ पर अनऑप्टेनियम मौजूद है उसके ऊपर उन क्रिएचर्स का पूरा एक कबीला रहता है और तुम्हें कैसे भी करके उन लोगों को वहाँ से हटाना होगा और इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। अगर 3 महीने के अंदर तुमने ये नहीं किया तो मैं वहाँ आकर सबको तहस नहस कर दूंगा। जैक भी कर्नल से सहमत हो जाता है और इसके बाद वो सब उस प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं। जैक को ये प्लेनेट काफी खूबसूरत लगता है, वो वहाँ फ्लावर्स को छूने लगता है लेकिन छूते ही वो मुरझा जाते हैं और उनके पीछे से एक खतरनाक जानवर निकल कर आता है। जैक वहाँ से भागता है और भागते भागते वो एक झरने में गिर जाता है। अब यहाँ वो उस जानवर से तो बच निकलता है मगर वो अपने साथियों से बिछड़ जाता है। डॉक्टर ग्रेस और जैक के साथी उसे काफी ढूंढते हैं लेकिन वो फिर ये सोचकर वहाँ से चले जाते हैं कि शायद उस जानवर ने जैक को मार डाला, मगर जैक अभी भी उसी जंगल में मौजूद था। इसके बाद हम एक पेड़ पर उसी प्लेनेट की एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि जैक को देख रही थी। इसका नाम नेटेरी होता है। ये जैक पर एरो चलाने वाली थी मगर तभी उस पर एक फूल जैसी चीज आकर बैठ जाती है और ये देखकर नेटेरी वहाँ से चली जाती है। अब रात हो जाती है और जैक उसी जंगल में था कि तभी उस पर कुछ जंगली कुत्ते आकर हमला कर देते हैं। कर तभी नेटेरी आ जाती है और वो जैक को उन कुत्तों से बचा लेती है, मगर जैक को बचाते वक्त उनके प्लानेट के कई कुत्ते मारे जाते हैं जिससे नेटेरी को गुस्सा आ जाता है और वो जैक पर हमला कर देती है। वो जैक को कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे प्लानेट के जानवर मारे गए। इस पर जैक कहता है कि तो फिर
फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? टोनेटेरी ये कहकर उसकी बात टाल देती है कि तुम बिल्कुल ना समझो। उन दोनों के बीच कुछ देर तक बहस होती है, मगर तभी जैक की बॉडी पर वही फ्लावर जैसी चीज आकर बैठ जाती है और ये देखकर निटेरी जैक को अपने कबीले के लोगों के पास ले जाती है। जैक को देखकर वो कबीले वाले उस पर हमला करने लगते हैं, मगर निटेरी सबको रोक लेती है। यहाँ अब एक और अवतार आता है जो कि आगे जाकर इस कबीले का सरदार बनने वाला था। उसे भी जैक की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आई। निटेरी उस कबीले के सरदार की बेटी होती है और उसकी माँ जो की रानी थी वो निटेरी को परमिशन दे देती है कि वो जैक को यहाँ रुकने दे। अब हम जैक को देखते हैं जो कि काफी टाइम से सो रहा था और अब वो जागने के बाद सबको बताता है कि मैंने उन लोगों का विश्वास जीत लिया है। वो लोग जैक को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद जैक की झरने में गिरने से मौत हो गई है। और वो सब लोग जैक को लेकर उनके कैबिन में आते हैं जो कि उसी प्लैनेट पर पहाड़ों में मौजूद था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि वो सारे पहाड़ आसमान में उड़ रहे थे जो कि काफी अच्छे लग रहे थे। इसके बाद हम निटेरी और जैक के अवतार को देखते हैं। निटेरी जैक को काफी चीजें सिखाती है और कुछ ही समय में जैक उस प्लैनेट की काफी सारी चीजें सीख जाता है। जैक वहाँ हॉर्स राइडिंग, शिकार करना और मछली पकड़ना सीख जाता है। फिर एक दिन निटेरी जैक को अपना इकरांत चुनने के लिए ले जाती है। यहाँ वो जैक को काफी चीजें बताती है। निटेरी बताती है कि जब एक अवतार की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसे नावी कहा जाता है और हर एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इकरांत चुन सकता है और इकरांत भी अपने मालिक को खुद चुनता है और सारी उम्र उसके लिए सिंसियर रहता है। जैक कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा इकरांत है? तो निटेरी उसे बताती है कि वो तुम पर हमला करेगा। इसके बाद जैक उन इकरांत के बीच जाता है और उसमें से एक इकरांत जैक पर हमला करता है और जैक समझ जाता है कि ये उसी का इकरांत है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसके बाद वो इकरांत की सवारी करता है। अब निटेरी भी वहाँ अपने इकरांत पर बैठकर आ जाती है और वो दोनों आसमान में बहुत ऊंचा उड़ते हैं, मगर तभी उनके पीछे एक बड़ा इकरांत पड़ जाता है जिसे ध्रुक कहा जाता था। जैक और निटेरी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। निटेरी जैक को बताती है कि इसकी सवारी आज तक सिर्फ कुछ ही लोगों ने की है और जब मेरे दादा के दादा ने इसकी सवारी की थी तो सारे दुख खत्म हो गए थे और फिर से खुशहाली आ गई थी। अब हमें जैक की ह्यूमन बॉडी दिखाई जाती है। उसे कर्नल बुलाता है और पूछता है कि और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 3 महीने कब के बीत चुके? जैक कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम और दो, कुछ दिन बाद उनका एक त्योहार है जिस पर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। कर्नल कहता है कि अभी आखिरी मौका है, अगर तुम अब भी ये नहीं कर पाए तो मैं पूरी फौज के साथ आऊंगा और सब कुछ तहस नहस करके अनोप्टेनियम को ले जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि उनका वो त्योहार आ चुका है और अब पेंडोरा के सारे नावी जैक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब निटेरी जैक को आत्माओं के पेड़ के पास लेकर जाती है जिसे वहाँ विटारिया कहा जाता था। निटेरी कहती है कि ये सब हमारी पूर्वजों की आत्माएं हैं और तुम इस पेड़ से जो कुछ भी मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा और तुम इससे अपने लाइफ पार्टनर भी मांग सकते हो। जैक कहता है कि मैंने ऑलरेडी मांग लिया है। निटेरी समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि कर्नल उसकी टीम के साथ वित्राया पेड़ को गिराने लगा है। ये देखकर पेंडोरा के लोगों को काफी गुस्सा आता है और वहाँ जैक भी आ जाता है। ये देखकर जैक उन्हें रोकने की काफी कोशिशें करता है मगर वो नहीं रुकते। यहाँ डॉक्टर ग्रेस जो कि अपनी इंसानी बॉडी में आ चुकी थी वो कर्नल से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कर्नल उन्हें कहता है कि तो फिर मैं क्या करता, मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया था लेकिन फिर भी तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और वो अनोप्टेनियम मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी वहाँ जैक भी आ जाता है और वो कर्नल से कहता है कि मुझे एक आखिरी मौका और दे दो, मैं उन सबको वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। कर्नल पहले तो मना करता है लेकिन बाद में वो उन दोनों को एक आखिरी मौका दे देता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अगर तुम उन सबको वहाँ से नहीं हटा पाए तो मैं जंग करूंगा। पर इसके बाद डॉक्टर ग्रेस और जैक दोनों अपने अवतार वाली बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ जाकर लोगों को समझाना शुरू करते हैं। यहाँ जैक अपने बारे में उन सबको सारी सच्चाई बता देता है कि उसे यहाँ अनोप्टेनियम लेने के लिए भेजा गया था और उन सबको वहाँ से हटाने के लिए, और आप सबकी भलाई यहाँ से चले जाने में ही है, नहीं तो कल सुबह बहुत बड़ी जंग होने वाली है और उन लोगों के पास काफी एडवांस वेपन्स भी है, इसलिए आप सभी उनका सामना नहीं कर पाओगे। ये सुनकर निटेरी को काफी गुस्सा आता है, वो जैक को धोखेबाज बोलती है और कबीले के लोग डॉक्टर ग्रेस और जैक को बंदी बना लेते हैं।
हैं। अगली सुबह वहाँ कर्नल आता है और जब वो जैक और डॉक्टर ग्रेस को बंदी बना हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि इन लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी है और इसके बाद उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। कर्नल पेंडोरा पर मिसाइल से हमले करता है जिससे चारों ओर बस आग ही आग थी। पेंडोरा की ये हालत देखकर वहाँ के नावी रोने लगते हैं। अपने टेरी की मॉम जैक के पास आती है और उसे खोल देती है, उसे कहती है कि प्लीज कुछ भी करके हमें बचा लो। तभी वो सब देखते हैं कि कर्नल ने वित्राया के पेड़ को गिरा दिया है। ये देखकर वो बहुत जोर से रो रहे थे, उन्हें काफी दुख पहुंचा था। और इसी लड़ाई में नेटेरी के पापा भी मारे जाते हैं। तभी कंपनी का हेड उन्हें ऑर्डर्स देता है कि डॉक्टर ग्रेस और जेक की बॉडी को स्लीपिंग चैम्बर से निकाल कर जेल में डाल दो। मगर तभी उनके पास वो पायलट पहुंच जाती है जो उन्हें वहां से आजाद करवा के एक स्पेसशिप में ले आती है। मगर डॉक्टर ग्रेस को गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। जैक अपने स्लीपिंग चैम्बर में जाके पेंडोरा पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि पेंडोरा पर सब कुछ खत्म हो चुका है, चारों ओर बस राख ही राख थी। अब यहाँ जैक डिसाइड करता है कि उसे उनका भरोसा दोबारा से जीतना होगा और अब वो उनकी मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए थे और वो वहाँ ध्रुव को आते हुए देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ध्रुव के ऊपर जैक था और वो समझ जाते हैं कि अब जैक उनकी मदद करने के लिए आ चुका है। और जैसा कि नेटेरी ने बताया था कि जो कोई भी इस ध्रुव की सवारी करता है वो सारे दुखों को खत्म कर देता है और फिर से खुशहाली ले आता है। यहाँ आकर जैक नेटेरी की मोम को कहता है कि मेरी एक साथी जख्मी हो चुकी है, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? तो नेटेरी की मोम कहती है कि हाँ, एक तरीका है अगर वो अपने अवतार में फिर से लौट आए। मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो डॉक्टर ग्रेस को नहीं बचा पाते। और इसके बाद जैक और सारे नावी ये फैसला करते हैं कि वो कर्नल से इसका बदला जरूर लेंगे। दूसरी तरफ कर्नल भी अपने सारे सिपाहियों को जंग के लिए तैयार करता है। पेंडोरा के लोगों की तरफ से जैक उनका लीडर बनता है। कर्नल के पास काफी एडवांस टेक्निक्स और बहुत सारे वेपन्स थे, वही पेंडोरा के लोगों के पास सिर्फ बो और एरो ही थी। इसके बावजूद वो ठान लेते हैं कि वो अपने पेंडोरा को बचाकर ही रहेंगे। ये लोग विल पावर में काफी ज्यादा यकीन करते थे। ये चीज अब जैक भी मानने लगा था, इसलिए वो वित्राया के पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ पेंडोरा की देवी ईवा से ये दुआ मांगता है कि प्लीज कुछ भी करके पेंडोरा को बचा लीजिए, कल की लड़ाई में कर्नल फतेह नहीं होनी चाहिए। अब अगले दिन कर्नल वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही उनकी तरफ हमला करने लगता है तभी सारे अवतार वहाँ आ जाते हैं। जैक और नेटेरी भी अपने अपने इकरांत पर बैठकर वहाँ आते हैं। पेंडोरा के लोग अपने बो और एरो से इन पर हमला करते हैं, मगर कर्नल की टीम के पास काफी एडवांस वेपन्स थे इसलिए वो इन सब पर भारी पड़ने लगे। कुछ देर तक इन सब के बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है। पेंडोरा के लोग अपने प्लैनेट को बचाने के लिए काफी अच्छे तरीके से इन सब का सामना कर रहे थे, मगर इसके बावजूद कर्नल वहाँ कई सारे नावियों को मार देता है और बहुत सारे जानवरों को भी मार गिराता है। और हम देख पाते हैं कि इस लड़ाई में नेटेरी का इकरांत भी घायल हो जाता है। वहीं कबीले का जो नया सरदार बनने वाला था वो भी मारा जाता है। और अब कर्नल उसकी सारी टीम के साथ वित्राया पेड़ पर हमला करने के लिए जाता है ताकि ऐसा करके वो वहाँ से अनोप्टेनियम निकाल सके। इससे पहले कि कर्नल वहाँ पहुँचता, जैक की दुआ कबूल हो जाती है जो कि उसने देवी ईवा से की थी और इसी वजह से वहाँ बड़े बड़े इकरांत आने लगते हैं। इन इकरांत पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था और वो सारे जहाजों को तोड़ देते हैं। इसी दौरान कर्नल का जहाज भी टूट जाता है, मगर वो उससे नीचे छलांग लगा देता है। और अब जैक उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है जिसमें जैक की ह्यूमन बॉडी थी ताकि उसे तबाह करके वो जैक को मार डाले। और फिर जैसे ही कर्नल उस पर ब्लास्ट करने लगता है तभी वहाँ नेटेरी आ जाती है और नेटेरी अपनी एरो से कर्नल को मार डालती है और आखिरकार कर्नल के मरते ही जंग खत्म हो जाती है। और अब देखते हैं कि जैक बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे काफी चोट आई थी और उसकी ह्यूमन बॉडी जाग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैक को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, मगर तभी नेटेरी वहाँ पहुंचकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि सारे इंसानों को धरती पर वापस से भेजा जाता है और कुछ लोग यहाँ भी रुकते हैं। ये वो लोग थे जो पेंडोरा को बचाना चाहते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैक को उसकी ह्यूमन बॉडी से निकाल कर हमेशा के लिए अवतार में बदल दिया जाता है और अब वो नेटेरी के साथ पेंडोरा पर खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।